पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाउडस्पीकर और अजान को लेकर चल रहे विवाद में अब हिंदू समाज पार्टी भी कूद गई है। मुरादाबाद में आज सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करके संदेश दिया गया कि जब सड़क पर नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं हो सकता। हिंदू समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु जोशी ने दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा के बाहर अपने समर्थकों के साथ हनुमान जी की फोटो लगाकर सड़क पर बैठ चिलचिलाती धूप में हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम क्या देश के लोगों को डराने वाली बयानबाजी कर रहे हो। पहले हिंदू समाज पार्टी के इस छोटे से कार्यकर्ता से ही निपट लो। दरअसल वो उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी भी मस्जिद और लाउडस्पीकर को हाथ भी लगाने का भड़काऊ भाषण दिया था। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है सड़क पर पार्श्वनाथ प्लाजा के बाहर, क्योंकि आज बालाजी महाराज जी का जन्मदिन है। बड़ी धूमधाम से प्रसाद वितरण किया गया, लड्डुओं का भोग लगाया गया, इसीलिए आज बालाजी महाराज का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है हिंदू समाज पार्टी की तरफ से। नहीं, सड़क पर मनाने का क्या पर्पस है वो पूछा। देखिए, सड़क पे मनाने का क्या पर्पस है, सीधी सी बात है, जब हर जगह नमाज सड़कों पे हो सकती है तो हनुमान चालीसा भी सड़कों पे हो सकती है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है। तो हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गलत बात तो नहीं है। और हम कौन सा रोज पढ़ रहे हैं, हम तो अपने दरबार गुरु जी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आज उनका जन्मदिन है तो मना रहे हैं, तो ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। अब माननीय योगी जी की सरकार है, कोई झुकने वाला नहीं है। जय हिंद राष्ट्र। महाराज से एक आवाज आई पीएफआई के हैं, उन्होंने कहा है अगर नमाज और लाउडस्पीकर को छेड़ा गया तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे देश के लोगों को। बिल्कुल क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मंदिर में जब लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं तो लगाने चाहिए ना। अगर अजान हो सकती है तो हनुमान चालीसा भी हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ कि मंदिरों में भी ज्यादा से ज्यादा लाउड स्पीकर लगने चाहिए और सुबह 5 बजे हनुमान चालीसा होनी चाहिए। मेरा सवाल ये था, पीएफआई के हैं, एक मुस्लिम है, उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद को छेड़ा गया, अजान को छेड़ा गया, नमाज को छेड़ा गया तो देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप क्या भुगतना पड़ेगा भैया, देश के लोग तो बाद में भुगतेंगे, पहले प्रांशु जोशी को भुगत लो। मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए, आपको खुली चेतावनी दे रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, जो मेरा करना हो कर लो, मरवाना चाहो मरवा दो। और कहो तो मेरा मुरादाबाद जिला है, ठीक है, प्रांशु जोशी नाम है, मेरी चेतावनी खुली सुन लो। तुमने कहा है हिंदुस्तान की जनता को, अरे हिंदुस्तान की जनता को छोड़ो, उसका जो एक छोटा सा तिनका है प्रांशु जोशी, पहले उससे भेज लो, बाद में जनता से भेजना। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।